एग्जाम्पल कौन सा था? टेंथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं क्लास, उसी तरह का एग्जाम्पल है ये भी। तीन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं हमारे पास, इट इज़ R1, R2, R3, और इनको जोड़ा गया है विद ए वायर भी, कॉपर वायर भी, ऐसे। तो आपको निकालना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिएगा। देखने में लगता है सीरीज कम्बिनेशन में होंगे, यस और नो? ऐसा नहीं है अभी। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने के लिए पहले हम पॉइंट्स को चेक कर लें, कौन कौन से पॉइंट है इसके पास। ये पॉइंट ए है, ये भी ए होगा, और ये वायर पूरी जा रही है, ये भी होना चाहिए भी, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ये भी बी होगा, और ये पूरी वायर यहाँ पे जा रही है, भी पॉइंट बी होगा। वायर से ड्रॉप नहीं होगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा वायर का कम्प्लीट भी। तो अब आपके पास दो ही पॉइंट बने हुए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। कौन से हैं? पॉइंट ए और पॉइंट बी। जो जोड़ रहा है जोड़ दीजिएगा। ए और बी में क्या जुड़ा हुआ है? R1। जोड़ देते हैं। ए और बी में क्या जुड़ा हुआ है? गेरा R2। ए और बी में क्या जुड़ा हुआ है? R3। एक्सल डिवाइस किस में है? पैरेलल। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है, सॉल्व कर पाओगे? यस और नो? नेक्स्ट करते हैं, इसी का एग्जांपल और करते हैं, एक और एग्जांपल नंबर 11 कर लीजिएगा। हो गया इतना भी? इसी को चेंज करते हैं, इसको मैं आगे ले जाता हूँ। कैसे? एक और रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं, और एक और जोड़ लेता हूँ। ये कौन सा है? R4, R5, और ये ऐसे कर लेते हैं। R4 तक इसमें है पैरेलल में, ऐसा कैसे लगा? ये पॉइंट कौन सा? अभी ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या होना चाहिए? और ये पॉइंट बी, ये कोई और पॉइंट है? सी। आपको ए और सी में निकालना हो तो R1, R2, R3, R4 पैरेलल में है, यस और नो? कैसे लगा? R4 तो है ही नहीं भाई, क्यों नहीं है? सेम पोटेंशियल पे करंट ही नहीं फ्लो कर सकता यहाँ से, जब करंट ही नहीं है इसको कटो। मेरे पास R4 नहीं है, सेम पोटेंशियल पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। समझ में आई कि नहीं आई? तो कौन कौन से हैं? R1, R2, R3 पैरेलल में है तीनों, सही है कि नहीं है? उसके बाद R5, R1, R2, R3, A और C, ये पॉइंट कौन सा था? B। समझ में आया कि नहीं आया? अभी कर पाओगे? याद रखोगे कि कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है और कहाँ पे आपने करंट की वैल्यू जीरो लेके रेजिस्टेंस को हटाना है वहाँ से? भी हो जाएगा अभी? नहीं समझ में आई? आई कि नहीं आई? पक्का? अब देखिए, अभी यही एग्जांपल करते हैं दोबारा से। अब की बार वो खाली वायर नहीं है, रेजिस्टेंस लगा रखते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है। डायग्राम बनाओ, हो गया? क्या एग्जांपल पहले वाला है? पहले वाला एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप होने वाली वोल्टेज भी, पॉइंट बराबर नहीं होंगे, सही है कि नहीं है? तो यहाँ पे पॉइंट बदल रहे हैं भाई क्लास, यहाँ पे पॉइंट कुछ और हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट कुछ और है। इसको सी मान लें, इसको डी मान लेते हैं, सही है कि नहीं है बताओ? अब आपके पास चार पॉइंट है भाई, ए बी सी डी, आपको निकालना है ए और बी के बीच का भी। तो हम पहले पॉइंट बना लेते हैं ए और बी। पॉइंट बना लिए मैंने, ए पॉइंट यहाँ पे बना लेता हूँ, ये पॉइंट हो गया बी भाई। दो पॉइंट और बनाऊँ, ये पॉइंट सी मान लेता हूँ, ये पॉइंट कौन सा? डी।
ठीक है, चेक करो भी, ए से चलना शुरू करो, ए से सी क्या जुड़ा हुआ है, आर वन, जोड़ दीजिए, इट इज आर वन। ए से डी क्या जुड़ा हुआ है, आर फोर में, डी कहाँ पे, इट इज आर फोर, हो गया। सी से डी क्या जुड़ा हुआ है, आर टू, सी से डी देखो कहाँ पे, आर टू। डी से बी क्या जुड़ा हुआ है, डी से बी, आर थ्री। और बी से सी क्या जुड़ा हुआ है, आर फाइव। दिस इज द ब्रिज कंडीशन वे, दिस इज द ब्रिज कंडीशन, पहली बार एग्जांपल आया है व्हीटसन ब्रिज का वे, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सीरीज में कौन सा पहले, तो क्या यूज करोगे, किरचॉफ्स लगाओगे वे, सही है कि नहीं है। कभी कब लगे उसकी कंडीशन आई है, कंडीशन क्या थी, याद है कुछ, अगर ये क्या था भाई, आर फाइव, अगर आर वन और आर फाइव और आर फोर और आर थ्री का रेशो बराबर हो जाए इसका और इसका, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा भाई, ये सर नो, जब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा तो आर टू का होने का ना होने का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया। सो डायग्राम क्या बनेगा, देखिए पॉइंट ए में दो जुड़े हुए हैं, कौन कौन से, ये हटा दो यहाँ से, तो क्या जुड़े हुए हैं, आर वन और आर फाइव, आर वन और आर फाइव, जोड़ दो, पॉइंट ओ ए और बी है ना, ए और बी में क्या जुड़े हुए हैं, आर वन और आर फाइव, और ए और बी में यहाँ पे जुड़े हुए हैं आर फोर और आर थ्री, अगेन आर फोर और आर थ्री, तो ये आर फोर है, ये आर थ्री है, इट इज आर वन, इट इज आर फाइव, क्या सॉल्व कर पाओगे इस डिवाइस इसको, यस सर नो, दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में, दोनों का आंसर पैरेलल में है, सोल्व हो गया कम्प्लीटली भी, कर पाओगे, रेशो अगर बराबर होंगी आर वन आर फाइव की और आर फोर आर थ्री की तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन है अगर रेशो बराबर ना हो तो भाई जरूरी थोड़ी है, तो यूज़ करोगे किरचॉफ सेकंड लॉ को, क्या यूज़ करोगे, किरचॉफ से सेकंड लॉ, क्योंकि व्हीटसन ब्रिज भी किसी से सोल्व हुआ था, किरचॉफ सेकंड से ही सोल्व हुआ था अभी, तो वहाँ से आप उसको निकाल, उसके एग्जाम्पल करेंगे, आगे आएंगे एग्जाम्पल उसके भी, जब बराबर ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे, उसके आगे एग्जाम्पल कर लें भी बराबर लेकर चलो तो ये आंसर होंगे अभी इसके, ठीक है, और नहीं हो तो वो भी सोल्व करेंगे एग्जाम्पल हमारे पास उसके भी। क्या कोई एग्जाम्पल एक दूसरे मैच कर रहा है, हर एक में कुछ ना कुछ अलग है, ट्रिक्स बोल सकते हैं, ट्रिक चल रही है हर एक में, अलग ट्रिक चल रही है भी। सही है, ये आर वन है, आर टू है, आर थ्री, कुछ भी डायग्राम हो सकता है। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आपको इक्विवेलेंट डायग्राम तो बनाना पड़ेगा इसका, कैसे बनाऊं, पांच रेजिस्टेंस सब तो करना पड़ेगा भाई, किस क्या है, ये ब्रिज हो सकता है अभी, यस और नो, तो ब्रिज कैसे हो सकता है, इमेजिन करो, देखो ये वायर ही तो जुड़ रही है सारी, देखो आपको क्या निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है, डायग्राम बना लिया अभी, आपको देखो इस वायर को उठाकर मैंने ऐसे रख दिया, तो यहाँ पर जाएगी वायर, एनी प्रॉब्लम, और इस वायर को उठा के ऐसे रख दिया, डायग्राम कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर ऐसे रखा जाए तो ये ए पॉइंट होगा अभी, ए से क्या जुड़ा होगा, पहले ये बना लेते हैं, ट्रायंगल ही बना लेते हैं पहले तो, ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, बी पॉइंट, सही है, इस वायर को उठा के ऐसे रखा तो ये पॉइंट यहाँ पे चला गया अभी, ये पॉइंट ए है, ए से क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, आर वन, सॉरी आर फाइव और आर फोर, क्या ब्रिज बन गया, सही है कि नहीं है, देखो बस यही तो करना है, वायर ही तो हैं,
कर लोगे तो ये कौन सा था आर टू और ये कौन सा था आर थ्री, यही था, ये कौन सा था आर वन भी। क्या बोलोगे अगर आर फाइव बाई आर टू और आर फोर बाई आई आर थ्री बराबर हो जाएं तो आर वन में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यस और नो? अगर आर वन से करंट फ्लो नहीं किया तो आर वन को हटाओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या होगा आर फाइव पार टू सीरीज में, आर फोर आर थ्री सीरीज में, दोनों का आंसर पैरेलल में सोल्व हो गया अभी, सही है कि नहीं है? ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है अभी। ऐसे केस भी आ सकते हैं, एक हेक्सागन है अभी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, हेक्सागन है, ये तो टक लग रही देखो हेक्सागन ही, ठीक है भाई, एक हेक्सागन है और आपको पूछ रखा है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड बी, भी निकाल पाओगे? ई और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालिए भी, सारे रेजिस्टेंस हैं ये, दे आर रेजिस्टेंस वायर्स भी, कर लोगे वैल्यू दी हो सकते हैं दिए हों आपको, बराबर वैल्यू मान लेते हैं, कुछ आइडिया मिल रहा है आपको क्या बोला जा रहा है, किसके बीच में निकालना है? ई और बी के बीच में, क्या क्या जुटे हुए हैं ये सीरीज में सारे, ये सीरीज में है सारे, पैरेलल में, सोल्व हो गया आंसर से, कर पाओगे? है नहीं प्रॉब्लम भाई, मुश्किल नहीं है, बताने के लिए कि डायग्राम देख के मत डरना कि क्या हो रहा है, हो जाएगा भाई, ट्रायंगल भी मिलेंगे, सर्कल भी मिलेंगे और पता नहीं क्या क्या मिलेगा भाई, कर पाओगे इसको? ए और बी और डी में निकालना है, सॉरी ई और बी में, तो पक्का ये सीरीज में है तीनों, ये सीरीज में है तीनों, आंसर क्या है पैरेलल में, हो गया कंप्लीट भाई। नेक्स्ट ऐसे प्रदीप बना लेते हैं, इनमें क्या दिक्कत है, ठीक है भाई, ये ए है, बी है, सी डी, ये आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, ऐसा करते हैं, चलो एक बार वैल्यू बना लेते हैं, आर फाइव आर सिक्स आर सेवन आर एट, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रहा है अभी, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है आपको ए और सी के लिए भी, तो और बनाओ पॉइंट, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, पॉइंट ए बना लिया, पॉइंट ए कहाँ पे, सी में, सही है, बीच में एक पॉइंट बार बार आ रहा है अभी, ये पॉइंट को क्या माने, ई बी ई हो गया, ई मान लो, ओ मान लो, चलो तुम्हारा पॉइंट ओ, ठीक है, अब देखो भी क्या हो रहा है, सब कुछ सेम है अभी, तो लगभग पोटेंशियल अगर पॉइंट पे क्या होगा सेम मिलेगा आपको अभी, ठीक है, जब पोटेंशियल इस वायर का पोटेंशियल और इस वायर का पोटेंशियल हो सकता है सेम हो भाई, सेम हो तो यहाँ से कट कर दो इसको, ऐसे लगा रहते हैं, ये ट्रिक है, एक मिनट में सोल्व करने की ट्रिक, अब सोल्व हो जाएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले ना आपको तो क्या करोगे, जो चार पांच पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं उसको कट कर लो दो भागों में, जब उनके पोटेंशियल बराबर होते हैं भाई, ये बताने जरूरत नहीं कि ये बराबर उनके पोटेंशियल क्या मानिए बराबर, ये एक मिनट में सोल्व करना क्वेश्चन आपको, अब बताओ कैसे होगा, ए और सी में क्या जुड़ा हुआ है, आर टू आर थ्री जोड़ दें, आर टू आर थ्री, ओके, और आर टू के ऊपर क्या जुड़े हुए हैं पैरेलल में, आर फाइव और आर सिक्स, आर फाइव और आर सिक्स, हो गया ये कंप्लीट हो गया, नीचे वाला एरिया में क्या जुड़ा हुआ है, आर वन आर फोर, आर वन आर फोर और आर फोर के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, आर सेवन और आर एट सीरीज में भी, जो आर फोर का किस में है पैरेलल में, यस और नो?
यहाँ पे कौन कौन है? R7 और R8। R8 समझ में आया कि नहीं आया? आप सॉल्व कर पाओगे? ये दोनों किस में हैं? सीरीज में। जो आंसर आएगा R2 के साथ पैरेलल में। दोनों किस में हैं? जो आंसर आएगा R4 के साथ ईयर, ये वाले दोनों हो गए सॉल्व। 16 देखो भाई, पता नहीं क्या क्या आएगा भाई। ठीक है, आपको निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ। जब तक इक्विवेलेंट नहीं बनेगा तो सॉल्व नहीं होगा। फिर वही प्रॉब्लम आएगी, ये पॉइंट दिक्कत देगा आपको। यहाँ से 4 पॉइंट मिल रहे हैं, पहले इसी को तोड़ो भाई। हाँ, मैं आया जहाँ पे 4 मिल रहे हैं दिखाई देना आपको, पहले उन्हीं को तोड़ो, क्योंकि इनके पोटेंशियल बराबर होते हैं। ये भी पोटेंशियल वही है, जोड़ो, जोड़ने के बाद वही रहेगा, उनका पैरेलल में जुड़े होते हैं एक्चुअल में। कर लोगे तो क्या करोगे? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? इसको तोड़ के ऐसे कर दूँ, अब तो सॉल्व हो जाएगा भाई। ये सर ना, ये दोनों किस में हैं? ये तीनों सीरीज में। R4 के साथ ये दोनों किस में हैं? पैरेलल में। पहले को सॉल्व करो सीरीज में, जो आंसर आएगा R4 के साथ तीनों, जो आंसर आएगा इनके साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लोगे? एनी प्रॉब्लम भाई? डायग्राम क्या बनाओगे? इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ। यहाँ पे डायग्राम तो बनाना ही है, ए और बी कैसे बनाओगे? R2 R6 सीरीज में है, R1 R4 R7 और R4 के साथ R3 R5। क्या इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है? सही है कि नहीं है? यस और नो? करूँगा फिर मैं आपको। यही कर लेते हैं जो भी किया था। है ना, ये क्या बना दिया? ठीक है, समझ में आया? हर रेजिस्टेंस आर का भी मैं नाम नहीं लूँगा, R1 R2 R3 छोड़ूंगा। इज रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम भी फाइंड द नेट रेजिस्टेंस, जल्दी से निकाल दिखाओ, बिटवीन ए एंड बी भी वही तरीका रहेगा भाई। एक मिनट का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे? इन पॉइंटों को तोड़ोगे यहाँ पे, इनको तोड़ोगे यहाँ पे, और अलग कर लिया। सॉल्व करके देखो मेरे को जल्दी से इसको आंसर को, अभी इसका कितना आंसर आएगा? इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं बना रहा हूँ, तुम अपना बनाओ। ठीक है, तो कितना कैसे करोगे? देखिए, ए और बी को पॉइंट को बनाएंगे। ए और बी में क्या जुड़ा हुआ है? ये आर। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ एक बार, ये आर। ये तीन जुड़े हुए हैं, R R R। और इस R के साथ ये दो पैरेलल में हैं। नीचे भी सेम है, ऐसा ही R R R तीनों जुड़े हुए हैं।
सीरीज में, और इस आर के साथ ये दो पैरेलल में हैं। हर एक रेजिस्टेंस आर ओम का है भी, ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है। अब सोल्व आपको करना है, कितना आंसर आएगा इसका। आर और आर कितने हो गए, 2R हो गए। ये इसका किस में है, कैसे लिखोगे, 1/1 + 1/2 कितना, 2 + 1/2 3/2 उल्टा करोगे तो 2/3 यस और नो। ये कितना होगा पूरा, 2/3 2/3 और R प्लस R 2R 2/3 + 2 6 हो गया ना, 8/3 पूरे कितना हो गया, 8/3 सेम यही है, 8/3 ये 2R पैरेलल में है, तो क्या करोगे, 3/8 + 1/2 + 3/8 एलसीएम 8 हो गया, 3 + 4 + 3 कितना हो गया, 11 14 10 10/8 यही हुआ 10/8 उल्टा करोगे 8/10 कितना करोगे, 4/5। लास्ट टाइम ये एग्जांपल था हमारे पास, सारे रेजिस्टेंस आर ओम के थे, आपको ए और बी में निकालना था भाई। इसका एक और तरीका है, क्या तरीका था कि बीच में एक कॉपर वायर इमेजिन कर लीजिएगा। ये तरीका हर टॉपिक पर अलग हो सकता है भाई, जो से सोल्व नहीं हो रहा भाई। यस और नो, आप क्या इमेजिन करो, पूरे डायग्राम के बीचों बीच एक कॉपर वायर इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। इस कॉपर वायर ने इस पूरे डायग्राम को दो भागों में बांट दिया होगा भाई, यस और नो। अगर आप एक भाग का निकालते तो उसका सेकेंड का भी उतना ही होगा रेजिस्टेंस। तो ये कॉपर वायर मैंने इमेजिन किया, तो ये इसने इस रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया होगा भाई, R/2। ये भी कितना है, R/2, बाकी सभी R हैं। अब देखो यहाँ से ये R/2 और ये R पैरेलल कम्बिनेशन में लगे हुए हैं। दोबारा देखिएगा, 1/R + 2/R कितना हो गया, 3/R उल्टा करोगे तो R/3। ये रेजिस्टेंस हो गया इसका भी कंप्लीट, इट इज़ R/3 भी, ठीक है। R/3 और R किस में है, सीरीज कम्बिनेशंस में है। तो कितना आंसर हुआ, R/3 + R इट इज इक्वल टू 4/3R भी, 4/3R। इस पूरे सेक्शन का कितना आंसर हो गया भाई, 4/3R। सिमिलरली यहाँ पे होने वाला है, ये R/2 है, ये R पैरेलल में, यहाँ आंसर निकाल देंगे R/3। R/3 और R किस में है, सीरीज कम्बिनेशंस में, तो आंसर कितना आएगा, 4/3R। तो तीन रेजिस्टेंस हो गए यहाँ से, 4/3R, R, 4/3R, तीनों किस में हैं, पैरेलल कम्बिनेशंस में। कैसे लिखोगे, 3/4R + 1/R + 3/4R एलसीएम कितना हो गया, 4R, 3 + 4 + 3 कितना हो गया भाई, 10/4R उल्टा करोगे, 4/3R, 4/10R सही है, यानी 2/5 ले सकता हूँ, 2/5R। यानी इस पूरे डायग्राम का रेजिस्टेंस कितना हुआ, 2/5R भी। इस तरह का एक और है सीरीज में, तो डबल करो इसको, कितना आएगा, 2/5R + 2/5R कितना हुआ भाई, 4/5R। दिस इज द आंसर भाई। ये ट्रिक आप हर क्वेश्चन पे लगा सकते हो। यहाँ पे करंट I देखिए किसके बराबर है, I = ये I है, यहाँ पे I कहाँ गया, ये रहा भाई। यहाँ से करंट कौन सा रहा, I2, यहाँ से कौन सा रहा, I1, मिलके क्या बनाएगा, I1 + I2। यस और नो, लूप के लिए क्या, कौन सा लूप लें, A B D A ए से बी जा रहे हैं, बैटरी कौन सी आई, 2 वोल्ट की, प्लस की माइनस भी, प्लस, उसके बाद बैटरी नहीं है, उसके बाद बैटरी है अगेन, -1 वोल्ट कंप्लीट। ए से बी जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कौन सा है, 2, करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I2, प्लस की माइनस भी, हमारे लूप के अकॉर्डिंग है भाई, अकॉर्डिंग है कि अपोजिट है, अपोजिट है। पी से डी कौन सा रेजिस्टेंस है, 2, करंट कौन सा, I1, प्लस की माइनस भी, प्लस। यहाँ पे चेक करो भाई, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यस आर नो, करंट कौन सा,
वन ओम का रेजिस्टेंस है, करंट कौन सा आई टू, तो आई टू ले लूँ सिंपल, माइनस इक्वल टू जीरो। कितना आंसर होगा भाई, ले सकता हूँ टू आई वन माइनस थ्री आई टू इक्वल टू माइनस वन भाई, सही है कि नहीं है? दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट भाई, मैं लूप ले रहा हूँ सेकेंड वाला भाई, इन द लूप बी सी डी बी दिखाई दे रहा है, बी सी डी बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो कैसा होगा बताओ, बी से सी कोई बैटरी है, ये कितना था बैटरी भाई, वन वोल्ट, वन वोल्ट का बैटरी है, वन ओम का रेजिस्टेंस ये था, तो कितना आएगा क्लस माइनस वन, बी से सी माइनस वन, यहाँ पे प्लस थ्री भी, बैटरी कंप्लीट हो गई। बी से सी रेजिस्टेंस कौन सा है, वन ओम का, करंट कौन सा है आई, आई ले लूँ प्लस की माइनस भी, माइनस भी सही है, बता दो। उसके बाद भाई कहाँ चले गए, सी से डी कौन सा रेजिस्टेंस है थ्री, करंट कौन सा है आई, आई है ना, प्लस की माइनस भी, माइनस भी, उसके बाद माइनस टू आई वन इक्वल टू जीरो, यस सर ना, तो कितना हुआ माइनस फोर आई माइनस टू आई वन इक्वल टू माइनस टू, इक्वेशन सेकेंड भाई, और ज़्यादा मॉडिफाइड करो, आई की वैल्यू रख दीजिए, आई वन प्लस आई टू लिए पूरे टॉपिक को भी, इसको हिम्मत बनाओ इक्वेशंस, तो माइनस फोर क्या आएगा आई वन प्लस आई टू माइनस टू आई वन इक्वल टू माइनस टू भी, सही लिखा मैंने, कितना आएगा माइनस सिक्स आई वन माइनस फोर आई टू इक्वल टू माइनस टू, ऐसे तो माइनस थ्री आई वन माइनस टू आई टू इक्वल टू माइनस वन, इक्वेशन नंबर सेकंड भी सही है, आफ्टर सॉल्विंग भी, सॉल्व नहीं करूँगा क्लास, उसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे सॉल्व करने के लिए, ये आपको आना चाहिए सॉल्व करना भी, कर पाओगे, लिख लीजिए आफ्टर सॉल्विंग, मैच हुआ आंसर तुम्हारा भी जो निकाल रहे थे, तुम्हारे उसको मन निकाल ले भाई, हो गया सेम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ में। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट ए आई वन इज इक्वल टू, आई वन का वैल्यू है मेरे पास 1/13a, आई टू का वैल्यू है 5/13a, ओके आई आई का वैल्यू कितना है 6/13a, समझ में आया, यस और नो, आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कितना था बी एंड डी, बी और डी से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है आई वन, कितना रेजिस्टेंस है तो वी निकाल लो, वी इज इक्वल टू आई आर भाई, यस और नो, वी क्या होगा आई आर, आई कितना है बी से डी, आई वन कितना था भाई 1/13 और आर कितना है टू, कितना आंसर आया 2/13 वोल्ट भाई, 2/13 है वोल्ट, एनी प्रॉब्लम क्लास कर पाओगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल करो जल्दी।